superhero. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप लोग इनका आंसर जरूर दीजिएगा। एस्बेस्टेसस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका सही आंसर है फेफड़े। एस्बेस्टेस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? इसका सही आंसर दीजिएगा। सही आंसर इसका बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है जस्ता। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर जस्ता से लेपित किया जाता है। इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? इसको मीथेनॉल बोलते हैं, मीथेनॉल। इसको मैथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा मैथिल एल्कोहल। CH3OH मैथिल एल्कोहल, मीथेनॉल से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अलोह धातु नहीं है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर लोहा। इसका लोहा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा डायमंड है? नंबर ए ऑप्शन शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय, नंबर दो ऑप्शन समुद्री पत्थर के नीचे कठोर वोलित, नंबर तीन प्राकृतिक क्रिस्टलीय, नंबर चार प्राचीन स्तनधारी के अवशेष युक्त पदार्थ। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय। हीरा डायमंड शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। रंगहीन हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। काला हीरा को बोट कहते हैं। इसका उपयोग कांच शीशा काटने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही डेली क्वेश्चन पाने के लिए। एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1×10⁻⁴ है। घोल का pH मान बताना है आपको क्या होगा। इसका सही आंसर बताइएगा। सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा 10, pH 10। ये एक जलीय घोल है, इसका pH 10 होता है। कृपया करके सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता के कम करने के लिए ली जाती हैं, इसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शर्करा विलय के किण्वन से बनने वाली गैस है। इसका सही आंसर बताइएगा। इसके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, इसके ऑप्शंस देखिए, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। सही आंसर बताइएगा इसका। इसका राइट ऑप्शन है हीलियम। हीलियम इसका सही आंसर है। हीलियम एक नोबल गैस है। ये हल्की गैस होने के कारण वायुयान के टायरों में भरी होती है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को गहरे समुद्र में गोताखोर कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? हमें बताना होगा जल में शुद्धि के लिए क्या मिलाते हैं। कृपया करके सही आंसर दें। इसका सही आंसर होगा पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। इसको बोलते हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये वाटर को प्यूरीफाई करने में। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? शहरों में प्रदूषण जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इसका आंसर हमें बताना होगा। ऑप्शन इसके हैं कॉपर, लीड, लेड, क्रोमियम, कॉपर ऑक्साइड। सही आंसर इसका बताइए। इसका सही आंसर होगा लेड। लेड बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। प्रकृति में तांबा युक्त अवस्था में तथा संयुक्त अवस्था में दोनों में पाया जाता है। इसे उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। आदि मानव ने सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया था, कॉपर। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में नाइट्रोजन का महत्व है, इसका आंसर बताना होगा हमें। इसका सही आंसर ये ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है, जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निचालन लीचिंग प्रक्रम में शामिल है। लीचिंग के बारे में बताना है हमें। लीचिंग घुलनशील यौगिक को घोलना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। घुलनशील यौगिक को घोलना लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया शेयर कर दें। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं। पेट्रोलियम के मिक्सचर्स को हमें बताना होगा। पेट्रोलियम में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को मिलाया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की कठोरता किसके कारण होती है? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा सेकंड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। जल की कठोरता CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड बताना होगा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा SO2। हाँ, इसका राइट आंसर होगा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमें HCl का pH मान बताना होगा। HCl का pH मान 2 होता है। 98वें क्वेश्चन का आंसर दो। एक श्वेत रासायनिक यौगिक पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं। ये टूटी हड्डी को जोड़ने में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? प्रोटॉन। सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रोटॉन ने रदरफोर्ड की खोज की, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PVC प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, ये बहुली कलर से बनती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।